Hello friends, in this today video we will see the types of pronoun with their examples. Before that we saw exact meaning of pronoun and some exceptional pronouns. We saw in exceptional pronouns I and you, these both are exceptional pronouns. Which rule we applied before this. Now in this video we will see the types of pronouns or kinds of pronouns with their examples. As you know that there are 7 pronouns: I, we, you, he, she, it, they. So there are 7 pronouns, and how many kinds of pronouns? There are so many types of pronouns, but out of them we will see only 5 types of pronoun. That usually we use these pronouns in English grammar while making sentence or in any other purpose. So we will see only 5 kinds of pronouns. So that is subjective pronoun, objective pronoun, possessive adjective, possessive pronoun, reflexive pronoun. So let's start. So pronouns. Pronouns. Subjective pronoun. Subjective. I am writing here in short, subjective pronoun, objective pronoun, objective pronoun, possessive adjective, possessive adjective, possessive pronoun, possessive pronoun, they, reflexive pronoun, reflexive pronoun. So, इसके अलावा भी और भी प्रोनाउंस है जो हम इसमें नहीं देखेंगे. ये खास करके ये सबसे ज्यादा यूज होते हैं, वही हम प्रोनाउंस लेंगे आज की वीडियो में. सो इसके अलावा आप देखेंगे तो इंडिफाइनेट प्रोनाउन है, इम्फैटिक प्रोनाउन, इंट्रागेटिव प्रोनाउन एंड इंट्रागेटिव प्रोनाउंस. सो और भी डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन. सो ये सारे और भी काइंड्स है, लेकिन वो ज्यादा यूज नहीं होते हैं. सो इसका यूज ज्यादा देखेंगे आप. सो जिसका यूज ज्यादा होता है वही मैं यहाँ पे कवर कर रहा हूँ इस वीडियो में. सो सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव, पजेसिव एडजेक्टिव, पजेसिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन. सो इन फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन में हम हमारे पास आई है और वी है. सो फर्स्ट पर्सन में हम आई को सब्जेक्टिव केस में, सबसे पहले तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द टर्म सब्जेक्टिव मीन्स व्हाट, ऑब्जेक्टिव मीन्स व्हाट, पजेसिव एडजेक्टिव मीन्स, पजेसिव प्रोनाउन एंड रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन मीन्स व्हाट. सब्जेक्टिव प्रोनाउन मीन्स ऐसा प्रोनाउन कि जो जब सब्जेक्ट के प्लेस पे लिया जाता है उसको कहते हैं सब्जेक्टिव प्रोनाउन. जो प्रोनाउन ऑब्जेक्ट के प्लेस पे लिया जाता है उस प्रोनाउन को कहते हैं ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन. जिस प्रोनाउन को पजेसिव एडजेक्टिव के केस में मींस एज ए एडजेक्टिव यूज करते हैं तब हम पजेसिव एडजेक्टिव कहते हैं. जब प्रोनाउन को पजेसिव प्रोनाउन कर यूज किया जाता है किसी का मींस ऑन बताने के लिए, ओन बताने के लिए या पजेशन बताने के लिए यूज किया जाता है किसी प्रोनाउन को, तब हम पजेसिव प्रोनाउन कहते हैं. रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, जब कोई प्रोनाउन रिफ्लेक्स होता है मीन्स जो भी प्रोनाउन सब्जेक्टिव केस में यूज होता है और उसी प्रोनाउन को ट्रेस दिया जाता है उस प्रोनाउन को कहते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन. जैसा आई कैन सी सी इनटू मिरर माय सेल्फ, आई कैन सी इनटू मिरर माय सेल्फ. यहाँ पे सब्जेक्टिव प्रोनाउन आई है और आई का ही मैंने रिफ्लेक्सिव बनाया है माय सेल्फ. मीन्स जो सब्जेक्ट के प्लेस पे होता है प्रोनाउन उसको स्ट्रेस करने के लिए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज होता है.
सो आई का सब्जेक्टिव केस होता है, आई का सब्जेक्टिव केस वही रहता है, आई ही होता है। ऑब्जेक्टिव केस में आई को लिखते हैं मी ऑब्जेक्ट के प्लेस पे, पजेसिव एडजेक्टिव में माय, आई का पजेसिव प्रोनाउन बनता है माई, आई का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बनता है माय सेल्फ। दे इन फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन वी, दिस प्रोनाउन वी यूजुअली यूज एज अ प्लूरल। सो वी सब्जेक्टिव केस में वी रहता है, ऑब्जेक्टिव केस में फिर बनता है अस, वी का पजेसिव एडजेक्टिव में बनता है आर, पजेसिव प्रोनाउन में बनता है आर्स, रिप्लेसिव प्रोनाउन वी का बनता है आर सेल्स। सो इसको अगर हम आर सेल्फ लिखते हैं, आर सेल्फ लिखते हैं, अगर आर सेल्स को आर सेल्फ लिखते हैं तो ए होगा रॉन्ग। सेल्फ हम कभी यूज करते हैं जब प्रोनाउन सिंगुलर होता है, तब हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में सेल्फ ए वर्ड ऐड करते हैं। सो ऐसा लिखेंगे तो वो रॉन्ग होगा, कंप्लीटली रॉन्ग होगा। सो आपको वी का रिप्लेसिव प्रोनाउन अवर सेल्स से लिखना है, सेल्स। सेल्स कब लिखते हैं? जब कोई प्रोनाउन प्लूरल होता है तब हम सेल्स लिखते हैं। देन सेकंड पर्सन प्रोनाउन में यू है हमारे पास, इसका सिंगुलर भी यूज होता है, प्लूरल भी यूज होता है। सो मैं यहाँ पे सिंगुलर प्लूरल में सभी केसेस में सेम रहता है ऑलमोस्ट, सिर्फ रिप्लेसिव प्रोनाउन में चेंज होता है। अगर हम यू को प्लूरल में कन्वर्ट करते हैं, प्लूरल एज अ प्लूरल यूज करते हैं, तो रिप्लेसिव प्रोनाउन में वो चेंज होता है। ऑलमोस्ट सभी केसेस में सेम रहता है सिंगुलर और प्लूरल। सो यू सब्जेक्टिव केस में लिखते हैं यू, सेम ऑब्जेक्टिव केस में यू ही लिखते हैं, पजेसिव एडजेक्टिव में यूअर, पजेसिव प्रोनाउन में यूअर्स, एंड रिप्लेसिव प्रोनाउन में यूअर सेल्फ भी लिखते हैं या यूअर सेल्स भी लिखते हैं। सो ये जो रिप्लेसिव प्रोनाउन में जो यू का सिंगुलर के लिए यूअर सेल्फ बनता है, तो प्लूरल के लिए यूअर सेल्स बनता है, यूअर सेल्स। मैंने पहले ही कहा है आपको, अगर प्लूरल है वो तो अपन सेल्स लगाते हैं रिफ्लेक्सिव में, और सिंगुलर है तो सेल्फ लगाते हैं। थर्ड पर्सन प्रोनाउन ही, हम मेल के लिए ए प्रोनाउन यूज करते हैं। सो ए ही ए सिंगुलर प्रोनाउन है, इसका सब्जेक्टिव केस बनता है ही, ऑब्जेक्टिव केस बनता है हिम, पजेसिव एडजेक्टिव बनता है हीज, पजेसिव प्रोनाउन में बनता है हीज, एंड रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में बनता है हिमसेल्फ। देन शी, ये भी थर्ड पर्सन प्रोनाउन है, ये भी थर्ड पर्सन प्रोनाउन है, इसका इसको फीमेल के लिए यूज किया जाता है। थर्ड पर्सन में ये प्रोनाउन सिंगुलर है, इसको फीमेल के लिए यूज किया जाता है। सो सब्जेक्टिव केस में इसको लिखते हैं हम शी, ऑब्जेक्टिव केस में लिखते हैं इसको हर, एडजेक्टिव में लिखते हैं हम हर, वही रहता है। ऑब्जेक्टिव केस में भी वही रहता है, पजेसिव एडजेक्टिव में ही हर ही रहता है। देन पजेसिव प्रोनाउन में शी का बनता है हर्स, एंड रिफ्लेक्सिव में हर से। दे इट ए भी थर्ड पर्सन प्रोनाउन है, जो कि सिंगुलर के लिए यूज किया जाता है, स्पेशली नॉन लिविंग थिंग प्लांट्स एनिमल के लिए एक प्रोनाउन को यूज किया जाता है इट। इट का सब्जेक्टिव केस होता है इट,
ऑब्जेक्टिव केस में भी हम ईटी लिखते हैं, पजेसिव एडजेक्टिव में हम इट्स लिखते हैं। पजेसिव प्रोनाउन इट का नहीं होता है, प्रिप्लेसिव प्रोनाउन इसका इट सेल्फ होता है, इट सेल्फ। दे लास्ट एक बचा है थर्ड पर्सन में जो है दे, जो हम लिविंग थिंग नॉन लिविंग थिंग के लिए यूज करते हैं। सो दे का सब्जेक्टिव केस में दे ही होता है, ऑब्जेक्टिव केस में दे होता है, पजेसिव एडजेक्टिव में दियर, पजेसिव प्रोनाउन में दियर्स, रिप्लेसिव प्रोनाउन में देमसेल्व्स। यहाँ पे अगर आप देमसेल्व्स के देमसेल्फ लिखते हैं तो वो होगा गलत, देमसेल्फ लिखते हैं तो वो होगा गलत। एक्चुअली हम दे ए प्रोनाउन हम प्लूरल के लिए यूज करते हैं, और अगर सिंगुलर है तब भी हम सेल्फ लगाते हैं, अदरवाइज सेल्फ लगाते हैं। सो बाय ओरिजिन वो क्या है, प्लूरल है, सो इसीलिए हमें देम सेल्फ ही रखना है। अगर देम सेल्फ लिखते हैं तो वो होगा गलत। सो मैंने इम्पोर्टेंट काइंड्स यहाँ पे कवर किए हैं जो आपको इंग्लिश ग्रामर में हेल्प करेंगे। सो काफ़ी सिस्टमेटिक लॉजिक है इस इन प्रोनाउंस को, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव पजेसिव प्रोनाउन रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में कन्वर्ट करने के लिए। आपको लॉजिकली आपको दो तीन बार अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपके माइंड में रहेगा, और इजीली आप वो प्रोनाउन राइट प्लेस पे रख पाएंगे। सो आपको 2 or 3 टाइम्स से वीडियो देखना है और प्रैक्टिस करना है तो आपको समझ में आएगा।